राजनीति विज्ञान व प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित हिंदी में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। BA MA BEd तथा MEd के विद्यार्थियों के लिए विशेष पाठ्य सामग्री प्राप्त करने के लिए बेल आइकन भी दबाएं। हेलो स्टूडेंट, आई एम डॉक्टर नितिका सिन्हा। आज हम पाठ्यक्रम के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। पाठ्यक्रम से संबंधित क्वेश्चन BEd MEd के एग्जाम में मुख्यतः पूछे जाते हैं, तो चलिए देखते हैं पाठ्यक्रम। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रत्येक विषय के कुछ निश्चित उद्देश्य होते हैं, उन उद्देश्य की पूर्ति के लिए निश्चित पाठ्यक्रम की आवश्यकता होती है। प्रत्येक विषय के उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए भी पाठ्यक्रम निर्धारित किया जाता है, जिससे यह वर्णित होता है कि किन किन तथ्यों, अनुभवों, क्रियाओं तथा सूचनाओं का अध्ययन करना है जिससे उद्देश्य की प्राप्ति हो सके। पाठ्यक्रम को उस कड़ी के रूप में भी देखा जा सकता है जो शिक्षण प्रक्रिया के प्रमुख आधार हैं, और ये जो कड़ी है वो विद्यार्थी एवं शिक्षक को जोड़ती है। पाठ्यक्रम के अंतर्गत विद्यार्थी को शिक्षा प्रदान करने में सहायक विद्यालय के अंदर तथा बाहर होने वाली समस्त क्रियाओं को सम्मिलित किया जाता है। पाठ्यक्रम की इस व्यापकता को शिक्षा क्रम भी कहा जाता है। शिक्षा तथा शिक्षण का स्वरूप पाठ्यक्रम के प्रारूप द्वारा ही निर्धारित होता है। शिक्षा की प्रक्रिया की धुरी ही पाठ्यक्रम है। शिक्षा के इतिहास का अवलोकन करने पर विदित होता है कि पाठ्यक्रम का अर्थ एवं उसका प्रारूप जो है हमेशा बदलता रहा है। चलिए देखते हैं पाठ्यक्रम का अर्थ। पाठ्यक्रम के अर्थ को स्पष्ट करने का प्रयास दार्शनिकों, समाजशास्त्रियों तथा मनोवैज्ञानिकों ने भी किया है। पाठ्यक्रम वह साधन है जिसके द्वारा शिक्षा व जीवन के लक्ष्यों की प्राप्ति होती है। ये अध्ययन का निश्चित एवं तर्कपूर्ण काम है जिसके माध्यम से शिक्षार्थी के व्यक्तित्व का विकास होता है तथा वह नवीन ज्ञान एवं अनुभव को ग्रहण करता है। यदि हम बात करें अगर संकुचित अर्थ में देखें तो पाठ्यक्रम केवल विभिन्न विषयों के पुस्तकीय ज्ञान तक ही सीमित है। विस्तृत अर्थ में पाठ्यक्रम के अंतर्गत वह सभी अनुभव आ जाते हैं जिसे एक नई पीढ़ी अपनी पुरानी पीढ़ियों से प्राप्त करती है। साथ ही विद्यालय में रहते हुए शिक्षक के संरक्षण में विद्यार्थी जो भी क्रिया करता है वह सभी पाठ्यक्रम की सहगामी क्रिया का अंग होती है। अतः वर्तमान समय में पाठ्यक्रम से तात्पर्य उसके विस्तृत स्वरूप से ही है। यदि हम देखें तो पाठ्यक्रम जो है वो अंग्रेजी भाषा के कैरिकुलम शब्द का प्रयोग किया जाता है। कैरिकुलम शब्द जो है लैटिन भाषा से लिया गया है। लैटिन शब्द कुरियर से बना है ये, और कुरियर का अर्थ है दौड़ का मैदान। शिक्षा के अंतर्गत इसका अर्थ है छात्रों का कार्य क्षेत्र। यहाँ हम देखेंगे कि छात्रों को दौड़ का मैदान, यहाँ पर दो शब्द दौड़ तथा मैदान प्रयुक्त किए गए हैं। मैदान का अर्थ है पाठ्यक्रम से, और दौड़ का अर्थ है छात्रों द्वारा अनुभव एवं उनकी क्रियाओं का संपादन करना, जिससे छात्र अनुभव तथा क्रियाएं करके अपना विकास करता है और अपने गंतव्य स्थान तक पहुंच जाता है। इस प्रकार छात्र मैदान में दौड़ करके अपने लक्ष्य तक पहुंचने में सफलता प्राप्त करता है। शिक्षक की दृष्टि से पाठ्यक्रम एक दिशा एवं साधन है जिसका अनुसरण करके शिक्षा के लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास किया जा सकता है। पाठ्य वस्तु के व्यवस्थित रूप को ही पाठ्यक्रम की संज्ञा देते हैं। शिक्षा शास्त्रियों ने पाठ्यक्रम की अनेक प्रकार से परिभाषा की है। कुछ प्रमुख परिभाषाएं इस प्रकार हैं। यदि हम मुनरो महोदय की देखें तो पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं सम्मिलित हैं जिनका हम शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। तो शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालकों के व्यक्तित्व का विकास करना। कहीं ना कहीं बालक शिक्षा क्यों ग्रहण करता है? कि उसका एक निश्चित लक्ष्य या एक उद्देश्य होता है। तो मुनरो ये बताने की कोशिश करते हैं कि पाठ्यक्रम में वे सभी क्रियाएं आ जाती हैं जिनका हम किसी निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु विद्यालय में उपयोग करते हैं। हार्न महोदय के अनुसार पाठ्यक्रम वह है जो बालक को पढ़ाया जाता है। ये शांतिपूर्ण पढ़ने या सीखने से अधिक इसमें उद्योग, व्यवसाय, ज्ञानोपार्जन, अभ्यास और क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। तो हार्न महोदय ये बताना चाहते हैं कि पाठ्यक्रम के अंतर्गत
व्यावसायिक पाठ्यक्रम से रिलेटेड सारी चीजें आ जाती हैं, ज्ञानोपार्जन है ना, टोटल बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व के विकास से संबंधित इसमें सारी चीजें सम्मिलित होती हैं। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार पाठ्यक्रम का अर्थ रूढ़िवादी ढंग से पढ़ाए जाने वाले बौद्धिक विषयों से नहीं है, परंतु इसके अंतर्गत वे सभी क्रियाकलाप आ जाते हैं जो बालक को कक्षा के बाहर और भीतर प्राप्त होती है। ऐसे एनएन ने भी अपने विचार व्यक्त किए हैं। मैं डीवी महोदय के बारे में बताऊंगी कि सीखने का विषय या पाठ्यक्रम पदार्थों, विचारों और सिद्धांतों का चित्रण है जो निरंतर उद्देश्यपूर्ण क्रियान्वेषण के साधन या बाधा के रूप में आ जाते हैं। अब हम देखेंगे पाठ्यक्रम के विकास को प्रभावित करने वाले ऐसे कौन से कारक हैं। तो आप जानते हैं कि समय समय पर पाठ्यक्रम का जो प्रारूप है वो बदलता रहा है, शिक्षा व्यवस्था के कारण, शासन प्रणाली के कारण, विभिन्न शिक्षा आयोग व समितियां, सामाजिक आर्थिक जनसंख्यात्मक शक्तियों के कारण, राजनीतिक शक्तियां, ज्ञान में तीव्र वृद्धि के कारण, तकनीकी प्रगति, सामाजिक परिवर्तन, परीक्षा प्रणाली और अध्ययन समिति, ये सब ऐसे कारक रहे हैं जो समय समय पर पाठ्यक्रम के स्वरूप को परिवर्तित करते रहे हैं और इनके आधार पर ही पाठ्यक्रम निर्धारित होता है। आइए अब देखते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य। जैसा कि आप जानते हैं कि शिक्षा की प्रक्रिया के तीन प्रमुख घटक होते हैं, पहला शिक्षक, दूसरा शिक्षार्थी और तीसरा पाठ्यक्रम। शिक्षण में शिक्षक तथा छात्र के मध्य अंतःक्रिया पाठ्यक्रम के माध्यम से ही होती है। इस प्रकार पाठ्यक्रम शिक्षण की क्रियाओं को दिशा प्रदान करता है। इन तीनों घटकों के पारस्परिक अंतःक्रिया द्वारा बालक का विकास किया जाता है। शिक्षण में तीन घटकों का विशेष महत्व होता है और इसी के आधार पर पाठ्यक्रम के उद्देश्य निर्धारित होते हैं। तो हम बात देखते हैं पाठ्यक्रम के उद्देश्य किस प्रकार के होने चाहिए। तो पहला है, पाठ्यक्रम बालक के संपूर्ण विकास हेतु साधन प्रदान करता है जिसकी सहायता से शिक्षण की क्रियाओं को संपादित किया जाता है। पाठ्यक्रम से मानव जाति के अनुभवों को सम्मिलित रूप से स्पष्ट करके संस्कृति तथा सभ्यता का हस्तांतरण एवं विकास किया जाता है। पाठ्यक्रम से बालक में मित्रता, ईमानदारी, सहयोग, सहनशीलता, सहानुभूति एवं अनुशासन आदि गुणों को विकसित करके नैतिक चरित्र का निर्माण करना इसका प्रमुख उद्देश्य है। पाठ्यक्रम से बालक की चिंतन, मनन, तर्क तथा विवेक एवं निर्णय आदि सभी मानसिक शक्तियों का विकास होता है। पाठ्यक्रम को ज्ञान तथा खोज की सीमाओं को बढ़ाने के लिए अन्वेषकों का सृजन किया जाता है। पाठ्यक्रम के और भी कई उद्देश्य होते हैं, जैसे शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति करना, ज्ञान की प्राप्ति करना, नागरिकता का विकास करना, चरित्र का विकास करना, व्यक्तित्व का विकास करना, खोज एवं आविष्कार करना। पाठ्यक्रम को बालक में जनतंत्रीय भावना का विकास करना भी पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य होता है। आइए अब देखते हैं पाठ्यक्रम के आधार, वो कौन से आधार हैं जो पाठ्यक्रम को प्रभावित करते हैं। तो पाठ्यक्रम के अंतर्गत कई आधार आते हैं, जैसे सामाजिक, वैज्ञानिक, दार्शनिक, सांस्कृतिक, मनोवैज्ञानिक और ऐतिहासिक। अब हम इसको विस्तार पूर्वक देखते हैं कि दार्शनिक आधार पाठ्यक्रम में क्या भूमिका निभाते हैं। तो दार्शनिक दृष्टि से देखें तो बालकों को शिक्षा क्यों प्रदान की जाए, इस प्रश्न का उत्तर सामाजिक दर्शन देता है। दर्शन ये प्रकट करता है कि बालक भावी जीवन में कैसे मनुष्य बने। राजीव गांधी ने नई शिक्षा नीति में यह सोचा था कि देश को 21वीं शताब्दी में कैसे नागरिक चाहिए जो राष्ट्र को विश्व के साथ चला सके। तो ये क्या था, उनका एक दर्शन था कि उन्होंने ये सोचा था। शिक्षा भावी नागरिकों के लिए निर्माण के लिए दी जाती है जो समाज तथा राष्ट्र एवं विश्व की आवश्यकताओं की पूर्ति में सक्षम हो। दूसरा, हम यदि देखें सामाजिक आधार, तो सामाजिक आधार के अंतर्गत मनुष्य समाज में जन्म लेता है, समाज में रहकर ही अपना जीवन यापन करता है और अंत में उसकी मृत्यु भी समाज में होती है। अतः समाज का एक वह अभिन्न अंग होता है। मानव के लिए समाज अत्यंत आवश्यक है। मनुष्य का अस्तित्व समाज के बगैर कुछ नहीं है।
यदि हम दूसरे शब्दों में इसको देखें तो मानव एक सामाजिक प्राणी है और समाज का प्रभाव मानव पर इतना अधिक है कि उसके जीवन का कोई भी पक्ष इससे अछूता नहीं रहा। और भी आधारों के बारे में मैं बात करूं तो हम देखते हैं मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार के अंतर्गत मनोविज्ञान का विकास के परिणाम स्वरूप अनेक देशों में बालकों की आवश्यकताओं के आधार पर पाठ्यक्रम का निर्माण का प्रयास किया गया। संयुक्त राज्य अमेरिका में तो विकास आवश्यकता पाठ्यक्रम के रूप में एक नई दृष्टि विकसित हुई। इसके अंतर्गत शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण बालकों के सामान्य विकास और उसे बल प्रदान करने वाली स्थितियों के लिए आवश्यक जैविक एवं मनोवैज्ञानिक उद्देश्यों को ध्यान में रखकर किया जाता है। शिक्षा में मनोवैज्ञानिक प्रवृत्ति बालक के अध्ययन को विशेष महत्व देती है, अतः पाठ्यक्रम निर्माताओं के लिए बालकों के बारे में सही जानकारी प्राप्त करना आवश्यक होता है। मनोविज्ञान के विकास ने शिक्षा के हर एक पक्ष को प्रभावित किया है। शिक्षा में मनोविज्ञान पद्धति ने उद्देश्यों, शिक्षण पद्धति, पाठ्यक्रम, शिक्षा का संवर्धन, अनुशासन की अवधारणा, शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए आदि सभी पक्षों को एक नया आयाम प्रदान किया है। अगर हम पाठ्यक्रम के उपागम की हम बात करें तो पाठ्यक्रम के उपागमों में विषय केंद्रित उपागम, छात्र केंद्रित उपागम, समुदाय केंद्रित उपागम और अंतः अनुशासनात्मक उपागम आदि कई ऐसे उपागम आते हैं जो पाठ्यक्रम पर प्रभाव डालते हैं। पाठ्यक्रम का उद्देश्य छात्रों का सर्वांगीण विकास करना है। इसके लिए विद्यालय में पाठ्यचर्या के साथ पाठ्य सहगामी क्रियाओं का आयोजन भी किया जाता है, जिससे छात्रों की आंतरिक प्रतिभाओं का विकास किया जा सके। अतः पाठ्यक्रम विभिन्न उपागमों पर आधारित होता है। अब हम बात करते हैं कि आखिर उपागम क्या होते हैं। तो उपागम का मैं आशय बताना चाहूंगी कि पाठ्यक्रम के निर्धारित उद्देश्यों की पूर्ति हेतु जो उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं वही पाठ्यक्रम उपागम कहलाते हैं। ये उपागम पाठ्यक्रम के उद्देश्यों की पूर्ति एवं पाठ्यक्रम के विकास को संपन्न करते हैं। अर्थात किसी भी उद्देश्य की पूर्ति हेतु जो उपाय प्रयोग में लाए जाते हैं वही उपागम कहलाते हैं। अब हम बात करते हैं कि पाठ्यक्रम के कौन कौन से उपागम हैं। तो सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी विषय केंद्रित उपागम के बारे में। हम बात करेंगे कि वे विषय जो समाज के लिए उपयोगी होते हैं तथा समाज में जिनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त होता है, जैसे हम बात करते हैं विज्ञान एवं गणित विषय की, जिनका वर्तमान समय में अधिक महत्व प्रदान किया जाता है। विषय केंद्रित उपागम जो होते हैं वो उद्देश्यों का निर्धारण पाठ्यक्रम के विकास को प्रशस्त करते हैं। विषय की उपयोगिता पाठ्यक्रम विकास में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन करती है। पाठ्यक्रम विधियां एवं जिन विषयों में अनुसंधान की संभावना अधिक होती है उन विषयों का पाठ्यक्रम भी विकसित होता है। तो ये तो हो गया विषय केंद्रित उपागम। अगर हम छात्र केंद्रित उपागम की बात करें तो वर्तमान समय में छात्रों के सर्वांगीण विकास के उद्देश्य प्रत्येक शैक्षिक कार्यक्रम में निहित होता है। शिक्षण के विभिन्न कार्यों द्वारा छात्र में सामाजिक, सांस्कृतिक, आध्यात्मिक एवं मानवीय विकास किया जाता है। बालकों के चहुमुखी विकास हेतु शैक्षिक उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है। छात्रों को शारीरिक एवं मानसिक रूप से क्रियाशील बनाने हेतु पाठ्यक्रम में उपयुक्त सामग्री का समावेश भी किया जाता है, ताकि छात्र का अधिगम उच्च स्तर का हो सके। प्राथमिक स्तर से ही पाठ्यक्रम में उन क्रियाओं को स्थान दिया जाता है जो कि छात्रों में सामाजिक गुणों का विकास करती है। ये हुआ छात्र केंद्रित उपागम। अगर हम समुदाय केंद्रित उपागम की बात करें तो समुदाय की आकांक्षाएं एवं अपेक्षाएं पाठ्यक्रम पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से प्रभाव डालती हैं। समुदाय की समस्याओं का समाधान शिक्षा के माध्यम से ही संभव होता है। समुदाय में उपलब्ध संसाधनों का उचित उपयोग संभव हो इसके लिए पाठ्यक्रम में सामुदायिक संस्थानों पर आधारित क्रियाओं पर बल दिया जाता है।
पाठ्यक्रम में समानता एवं स्वतंत्रता के दृष्टिकोण का समावेश करके छात्रों को प्रारंभ से ही सामाजिक व सामुदायिक समरसता का पाठ पढ़ाया जाता है। अब बात करते हैं हम अंतः अनुशासनात्मक उपागम की। तो इसके अंतर्गत हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम का यह उपागम विभिन्न विषयों के मध्य समन्वय पर बल देता है तथा पाठ्यक्रम में ऐसे विषयों एवं क्रियाओं को सम्मिलित करने पर बल देता है जिससे छात्रों में अंतः अनुशासन का विकास हो सके। इसके लिए योग, व्यायाम, विभिन्न खेलों को पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। आइए अब हम देखते हैं पाठ्यक्रम के प्रकार। जैसा कि आप जानते हैं कि पाठ्यक्रम का विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है जो कभी समाप्त नहीं होती। ये कहां से आरंभ हुई इसका बोध नहीं है। शिक्षण की आवश्यकता की जानकारी छात्रों की उपलब्धियों से ही होती है जिनको शिक्षक प्राप्त करने का प्रयास करता है। परीक्षण के द्वारा ही ये जानकारी हो जाती है कि किस सीमा तक उद्देश्य प्राप्त हुए हैं। पाठ्यक्रम का मुख्य लक्ष्य छात्रों का विकास करना होता है, इसलिए पाठ्यक्रम प्रारूप ऐसा हो जिसमें छात्रों के व्यवहारों में परिवर्तन किया जा सके। हम बात करते हैं पाठ्यक्रम के प्रकार की। तो आज वर्तमान स्थिति में पाठ्यक्रम पे जो भिन्नता दिखती है उसके आधार पे कई प्रकार है, जैसे कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम, कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम, अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, बाल केंद्रित पाठ्यक्रम, शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम और मूल केंद्रित पाठ्यक्रम। हम बात करते हैं विषय केंद्रित पाठ्यक्रम। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि विषय केंद्रित पाठ्यक्रम उस पाठ्यक्रम को कहते हैं जिसमें बालकों की अपेक्षा विषयों को अधिक महत्व दिया जाता है। इस प्रकार के पाठ्यक्रम में पुस्तकों का विशेष महत्व होता है, इसलिए इस पाठ्यक्रम को पुस्तक केंद्रित पाठ्यक्रम भी कहते हैं। विषय केंद्रित पाठ्यक्रम मनोवैज्ञानिक है, अर्थात इसके अंतर्गत बालकों की रुचियों, आवश्यकताओं तथा योग्यताओं का कोई ध्यान नहीं रखा जाता। कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम में विभिन्न कार्यों को विशेष स्थान दिया जाता है। जॉन डीवी का मत था कि कार्य केंद्रित पाठ्यक्रम द्वारा बालक समाज उपयोगी कार्यों को करने में रुचि लेता है जिससे उसके व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास होता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम, जैसा कि ये भी नाम से स्पष्ट हो रहा है कि इस पाठ्यक्रम में बालक के विकास हेतु अनुभवों को विशेष महत्व दिया जाता है। अनुभव केंद्रित पाठ्यक्रम विषयों की अपेक्षा अनुभव पर आधारित होता है। बाल केंद्रित पाठ्यक्रम में विषयों की अपेक्षा बालक को मुख्य स्थान दिया जाता है। ऐसे पाठ्यक्रम का निर्माण बालक की विभिन्न अवस्थाओं की रुचियों, आवश्यकताओं, क्षमताओं तथा योग्यताओं के अनुसार किया जाता है। अब हम देखते हैं शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम। जहां पे शिल्प केंद्रित पाठ्यक्रम की बात आती है तो शिल्प कला केंद्रित पाठ्यक्रम वह पाठ्यक्रम होता है जिसके अंतर्गत बालक की रुचि और क्रियाशीलता को ध्यान में रखकर, जैसे कि उसमें शिल्प कलाओं के अंतर्गत कताई, बुनाई, चमड़े तथा लकड़ी के काम आदि को केंद्र मानकर दूसरे विषयों की शिक्षा दी जाती है। हमारे देश की वर्तमान बेसिक शिक्षा में इस प्रकार के पाठ्यक्रम का विशेष महत्व है। बात करते हैं मूल्य केंद्रित पाठ्यक्रम की। तो मूल्य केंद्रित पाठ्यक्रम, इसमें कुछ विषय अनिवार्य तथा अधिक विषय ऐच्छिक होते हैं। अनिवार्य विषय का अध्ययन करना प्रत्येक बालक के लिए अनिवार्य होता है तथा ऐच्छिक विषय को व्यक्तिगत रुचियों तथा क्षमताओं के अनुसार चुना जा सकता है। पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता। आखिर पाठ्यक्रम का विकास की क्यों आवश्यकता पड़ती है? तो पाठ्यक्रम विकास एक व्यापक प्रक्रिया है। पाठ्यक्रम विकास किसी एक बिंदु पर आधारित नहीं होता, वरन उसमें अनेक प्रकार के तथ्यों का समावेश होता है। इन तथ्यों का संबंध संपूर्ण शैक्षिक व्यवस्था से होता है। जो पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है उसका विकास होना भी आवश्यक है। कई ऐसे कारण हैं जिनके कारण
इसके विकास की मांग और ज्यादा बढ़ जाती है। जैसे बालक के सर्वांगीण विकास हेतु पाठ्यक्रम का विकास आवश्यक है। वर्तमान समय की मांग है कि व्यक्ति आज की परिस्थितियों के अनुसार जीवन यापन करे, और इसलिए वर्तमान समय को ध्यान में रखकर ही पाठ्यक्रम विकास करना आवश्यक है। पाठ्यक्रम विकास से ही बालकों के वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए तैयार किया जा सकता है। शिक्षा प्रक्रिया में गुणवत्ता लाने के लिए भी पाठ्यक्रम विकास आवश्यक है। बालकों में उच्च मूल्यों के विकास हेतु भी पाठ्यक्रम का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। समय समय पर शिक्षा के उद्देश्य निर्धारित किए जाते हैं तथा इन उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भी पाठ्यक्रम में परिवर्तन किया जाता है। तो ऐसे कई और भी कारण हैं जिनके कारण पाठ्यक्रम के विकास की मांग बढ़ती रही है। जैसे छात्रों में अभिरुचियों को उत्पन्न करने के लिए, छात्रों की क्षमताओं के अनुरूप उनका विकास करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए, व्यवसाय तथा नौकरियां तैयार करने के लिए, मानसिक पक्षों का प्रशिक्षण तथा विकास करने के लिए, तकनीकी विकास और वैज्ञानिक आविष्कारों के लिए भी पाठ्यक्रम का विकास करना आवश्यक है। छात्रों को भावी जीवन के लिए तैयार करने के लिए भी पाठ्यक्रम का विकास करना आवश्यक है। मानवीय गुणों के विकास के लिए शिक्षा में कितना महत्व दिया जा सकता है, आदि कई ऐसे कारण हैं जो कि पाठ्यक्रम के विकास की मांग करते हैं। समाज की आवश्यकता के अनुरूप बालकों का विकास आवश्यक है और इस उद्देश्य की पूर्ति पाठ्यक्रम विकास से ही संभव है। हमने पाठ्यक्रम के बारे में विस्तार पूर्वक पढ़ा और ये जाना कि पाठ्यक्रम का जो स्वरूप है वो बहुत व्यापक होता है। पाठ्यक्रम संपूर्ण होता है। पाठ्यक्रम के द्वारा ही शिक्षा के उद्देश्यों की प्राप्ति की जा सकती है। नियोजित शिक्षा के लिए पाठ्यक्रम बहुत आवश्यक होता है। शिक्षा का उद्देश्य उपयोगी एवं आदर्श नागरिकों का निर्माण करना है। आदर्श एवं उपयोगी नागरिक वही है जिसको शक्तियां पूर्ण रूप से विकसित हो चुकी, जो कानून का पालन करता हो, जो न्यायपूर्ण आचरण करे, जिसे स्वतंत्र चिंतन और निर्माण की शक्तियां विद्यमान हो। इन तथ्यों की क्षमता एवं योग्यता उत्पन्न करने के लिए ही पाठ्यक्रम का निर्माण होता है। धन्यवाद। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें व बेल आइकॉन भी दबाएं। धन्यवाद।